सी आ सरपंच ने जरूर है मने पेटी खाली है पेटी में रुपया कौन पावेगा का सरपंच ने नहीं मिला न्यू है का न्यू देखे का पैदा कितनी हुई है का मेरे पर को तो है तो का देखूंगा और कोई और है तन्ने सोच है के तो मोबाइल में फिट होगी सारी पैदा टंकी पर भी कर बैक होनी मैं बैठांगा अच्छा आपका टंकी पर लुगाई है हां मैं बैठांगा जेब का झूठो निकड़ियो तो अब सरकार ना चेतावनी है अभी अब आगे मेला चल रहा है किला आदमी चल रहा है अब की बार अगर मार सका बेईमानी करी तो मान लो सरकार टंकियां ना बंद कर दी फिर पहले ही टंकी वाला बंद कर दियो तो जंटी पर चढ़ जावांगा जंटी तो मारी है और जंटी का तला बैठ जियो लठ लेगे उतर ना दियो जितते बिमू ने आवे इते हम सब जागरूक हो गए हैं पैसे का क्या है पैसे से कुछ नहीं होता जितना बीमा था उतना तो हमारे भाइयों ने यहाँ लगा दिया बैठो जमे जे की थाली जमे और मोदी मार्क नु इतनी थाली बजवाई और दिया बंद कर दियो डॉक्टर मोदी योगी मन करो भी थाली बाजड़ी कौन करे माने यहाँ फिर कोनी अभी थाली कौन बाजड़ी अंगरे बेला मसरूंड बैठे है फेंक दिया कागज बुडलतिया बोलियो केक ना ले लो कागज एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग सभी बच्चों को किया पुरस्कृत नए बैच स्टार्ट नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग HSSC ग्रुप डी 3 डेज डेमो फ्री स्टडी मटेरियल फ्री ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस वीकली टेस्ट सीरीज एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने सिरसा कॉन्टैक्ट 9055-96396 and 9055-96496. नमस्कार स्वागत आपका के हरियाणा पे मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और लगातार जो है वो 100 दिनों से भी ज्यादा इस धरना को चलते हुए हो गया और 10 दिनों से ज्यादा का समय हो गया कि किसान टैंकी पे चढ़े हुए थे और आज जो है वो शुभ घड़ी आई है जब किसानों की मांगे मान ली गई है आश्वासन जो है वो उपायुक्त महोदय के द्वारा दे दिया गया और चारों किसान जो है वो नीचे उतर चुके हैं तो ऐसे में इससे पहले मैंने आपको जिन जिन महिलाओं से मिलवाया था जिन जिन महिलाओं ने अपने दिल का दर्द जो है वो बयां किया था वो महिलाएं आज कितना सुकून महसूस कर रही हैं वो आज दोबारा से मैं उनसे मिलवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दादी के नाम से नातूसरी कला से ये हमारी माता जी हैं ये फेमस हैं इन्होंने जो है वो आह्वान किया था तमाम महिलाओं से कि वो यहाँ पे धरने पे आकर के जो है वो शुरू हो और उसके बाद लगातार महिलाओं का जमावड़ा जो है वो यहाँ पे लगना शुरू हुआ था उसके बाद नातूसरी से सरपंच है रीटा कासनिया जी और उसके बाद आगे एक हमारी माता जी और हैं और इस तरफ अगर बात करूं तो भरत झाजड़ा की बहन जो कि अपनी आंखों में जो है वो आंसू ले आई थी अपने भाई को इस दुख तकलीफ में जो है वो देख करके और उसके बाद एक महिला और हैं इन्होंने भी जो है वो काफ़ी अच्छा वक्तव्य दिया था कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम हमारा हक मांग रहे हैं तो सबसे पहले हक कितना मिला कितना संतुष्ट है सबसे पहले दादी जी से बातचीत करते दादी अगर बात करा तो मिल गयो आश्वासन मिलो है के कुछ कहना चाहूँगा महिला आनी शुरू होगी थे आह्वान करे हाँ मैं सतबीर सरण को महिला गुहारा में कहे हो कभी तू आप एक लो इतनी बसन करे कह भाई माता बहनु आओ तो तेरा घर के कौन आ रहे है बोलियो मेरा कोई कौन आ रहे हो तो तू ये तो बसन करे कुछ न कुछ तेरा घर आऊ तो लिया बोलियो मैं कुआ रहा हूँ तो तेरी माँ होगी तू ले गया कुआरा हुआ तो माँ ले गया वो बैठा हुआ तो माँ ले गया और बाप बहन ले गया और बू ले गया वो सारे तीन हो जाए घर की सदस्य सारा इकट्ठा हो गया हो तो अपनी भीड़ होएगी एक के बैठा अपना ऊपर बैठा भागो की कौन बैठा भीड़ करो भीड़ मैं जब फिर मैं बहुत मेला आया अच्छा 800 दिन पूरा प्रोग्राम हो गया फिर तो आप जखे देखो आलू गई है सिंगार से सारो के से मिल जाए लो सही तरिया अब तो बिमो आवाज तो मिले को अच्छा। नहीं है के मोदी तो ले गयो मार को लोट रिपोर्ट सारा थाली थाली बजा के ले गयो बैठो जमे जे की थाली जमे और मोदी मार्को ने इतनी थाली बजवाई और दिया बंद कर दियो तो थाली बजा के मार्को ने वोटर लोट सारा ले गयो अब वापस जनती बारे जिदो रो है ईव जिदो रो है रात ने नहीं सुती पड़ी और फोन खड़कायो का मोदी है नहीं वोट बदलाई बंद कर दी और का लिया भाई ताली मैं काटो लोट फेंक दिया कागज बुडलतिया बोलियो के करा ले लो कागज मजा कोई बेड़ा करे यार भाई कटा तो ये बुडली है नी सारी बुडली या तनखा मिले मने है नी इसी आ सरपंच ने जरूर है मने पेटी खाली है पेटी में रुपया कौन पावेगा का सरपंच ने नहीं मिला न्यू है का न्यू देखे का पैदा कितनी हुई है
मेरे पर को तो है तो देखांगा और कोई और है तन्ने सोच है के तो मोबाइल में फिट होगी सारी पैदा कोई चीज मारकन को नहीं घर हमारा लून मेरे से बपरवा नहीं तो मन के ऊपर है आज के मैं लेने 20-30 साल की ऐसे सब कंगाल है। तो अब टंकी पर उतर के नीचे है तो कितनी रात मिली है तने? माने बहुत शांति आई है, बहुत ही शांति आई है और शांति तो इतनी आई है कि जब माने बीमो मिल जाएगा जब मर बेटा हूँ आशीर्वाद और करांगा मैं। अच्छा और करो। हाँ और करांगा। ठीक है माता जी के कहना चाहोगा थे काफी खट्टर ने और मोदी ने चौकी सुनाई थे दबा दब बन तो सुनाने के खड़ी गई है सुनावांगा खट्टर मोदी योगी मन करो भी थाली बाजड़ी कौन करे माने या फिर कौन है भी थाली कौन बाजड़ी आंगरे बेला ही मसरूंड बैठे हैं ध्यान रखने ध्यान है वोट है मैं तो बोला मैं दे बैठे मुकम्मल को फूल सुनो है हाथ सो लग गए कि रो के काम करेगा माने कह रो मारा छोरा को कादो काट दे वो इव तो मैं भी इन कादो काट के छोड़ा कौन दिया आवेगा वोट मांगने वोट मांगने आवेगा जो मारकन धक्का खा के उड़ जाएगा और के बिना बहुत थोड़ा ध्यान बेटा जी क्या कुछ कहेंगे किसान तारो पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद एक डीसी साहब उठाया आवाओ भी बहुत बहुत धन्यवाद पर रही है जी देखो एक महीने को टाइम मांगे अगर एक महीने में माना बीमा क्लेम नहीं मिले तो देखो यूं ज्यादा लोग इकट्ठा हो अगर अब की बार मैं देखो आर पार की लड़ाई तो पहला भी कर ली मैं जीत भी गया अब देखो अगर सरकार माना बुलावे तो माना सरकार बुलावे ना अब मैं बुलाए कौन लगा कहनी भी लाली पोप देगी उठ जाए अब मैं लाली पोप कौन लेगा अब सरकार ना चेतावनी है भी अब आगे मेला चल रहा है कि लारा आदमी चल रहा है अब की बार अगर मार सका बेईमानी करी तो कमान महिला हाँ अब की बार संभालेगी अब की बार आगे लुगाइयाँ चल रहा है कि लारा आदमी चल रहेगा अब की बार मैं लियांगा मारा हाथ का माँ सरकार मार सा गेम ना खेले ठीक एकला एकला तो लड़के देख लिया अब कंठ जोड़ो अब की बार कंठ जोड़े अब की बार कंठ जोड़ा है अब की बार कंठ जोड़ा दो मारांगा मिनेंगी इन्हों तो बढ़िया ही अच्छा होता फोन के सागे धुआं धुआं तो चलिए यहाँ पे भरत जाजड़ा की सिस्टर हैं बहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे टंकी से नीचे उतर चुके हैं कुछ राहत कुछ सुकून मिला होगा पहले तो राम राम भैया फिर मैं आपका सभी चैनल वालों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम किसानों की आवाज़ घर घर तक पहुँचाई सबको जो हमारे किसान भाई हमारे महिलाएँ हैं जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी सबको जागरूक करवाया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अभी कुछ राहत कुछ सुकून मिला होगा आज रात को तो नींद अच्छे से आ जाएगी नींद तो इसलिए आएगी कि हमारे भाई नीचे आ गए हैं हमारे बुजुर्ग है उन्होंने अनशन तोड़ दिया है नींद तो मैं इस बात की पैसों के लिए मैं कोई फिक्र नहीं है पैसे आए या ना आए लेकिन सरकार ये कह रही थी कि 31 जुलाई को आपका बीमा आ जाएगा लेकिन उन्हें झूठा आश्वासन दिया अगर इस बार उन्होंने झूठा आश्वासन देकर हम सबको अगर पागल बनाना चाहे ना तो वो बिल्कुल नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे आप इस बार भी अगर झूठा आश्वासन निकला ये तो अगली बार इससे झूठा आश्वासन नहीं इससे बड़ा कदम उठाएंगे अब तो हमने वहाँ जाकर वो रोड जाम किया था और उस बात को हम पहले अगवा नहीं करेंगे कि हम ये कदम उठाने जा रहे हैं ये जब सरकार हमारे साथ रात को नियम लागू करती है सुबह उठते हैं तो हर रोज एक नया नियम होता है आज हमने नोटबंदी कर दी आज हमने काले कानून लिया है आज हम ये कर रही हैं वो नहीं होगा जैसे सरकार हमको सो रहे हैं उस टाइम हमें ये मिलता है कि आज ये काम हो रहा है वो कभी भी नहीं होगा और अब हम सब जागरूक हो गए हैं पैसे का क्या है पैसे से कुछ नहीं होता जितना बीमा था उतना तो हमारे भाइयों ने यहाँ लगा दिया ये तो हमारे शान और हमारे बुजुर्गों की पगड़ी का सवाल था उसको हम कभी उछलने नहीं देंगे क्योंकि पिछले दिनों आपने पानी आया था तो सभी पार्टी के नेता वहाँ आकर फोटो खिंचवाने का काम किया किसी ने मिट्टी डालने जैसे भी देने का किसी ने काम किया मैं उन नेताओं से पूछना चाहती हूँ वहाँ आप आए किस लिए थे अगर आप किसानों की मदद करने आए तो जैसे भी देते खाना की गाड़ियाँ भरकर लाते दवाइयाँ लाते पानी लाते किसी ने नहीं दिया सिर्फ किसान की मदद किसान करता है किसान ने गाँव से ट्रालियाँ भर भर कर हमारे किसान भाइयों को खाना पहुँचाने का काम किया घर से बाहर निकालने का काम किया जिनके घरों में पानी घुस गया था इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं सभी भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूँ कि अगर जब चुनाव आए 2024 में जब तुम देखना कि आपका काम कौन कर सकता है आपकी आवाज़ वहाँ संसद में कौन उठा सकता है ऐसे नेता को चुनकर लाना वैसे तो सारी पार्टियाँ एक है क्योंकि कोई किसी का नहीं है सत्ता में आने के बाद सबको सत्ता की कुर्सी की गर्मी हो जाती है इसलिए फिर भी आप ऐसा सोचें कि ये आदमी हमारे किसानों की आवाज उठा सकता है उनको हक दिलवा सकता है जिससे कि हमारे आने वाले बच्चों को सड़कों पर ना बैठना पड़े धन्यवाद भैया आपका मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे काफी आपने उस समय सरकार को कोसा था शायद हो सकता है कि आप महिलाओं की आवाज सरकार तक पहुंची और ये बीमा की घोषणा की गई हो तमाम
किसान नीचे उतरे अनशन नीचे उतारे तुरते तुम्हारे अगली लड़ाई है क्या है तुरते जे दे देगा ही महीने में जो तो ठीक है ना सोर जाम लगावागा। अच्छा। हाँ भी आगू आगे और भी करांगा भी आओ ज्यादा ज्यादा अपने हक के खातर लड़ो वो एक अन्नदाता है वो इन बिरून माटी होने लग रही है मारे कारण ही सरकार को पेट भरन लग रही है और भाई इं कर लग रही है मारे खातर तो मैं यही कहंगा कभी मारो मुआवजो मारे हक की खातर फिर हमें माने मारो हक दो। अच्छा जब खड़ा मान लो झूठो निकल गयो तो फिर आगे के कदम उठाओगा महिलाओं के कदम उठाओगी महिला कदम उठाओगी कभी जो मानस कदम उठाया नहीं वो मैं उठाऊंगा टंकी पर भी कर बैक होनी मैं बैठांगा। अच्छा आप टंकी पर लुगाई है। हाँ मैं बैठांगा जेब का झूठो निकलो तो फिर जे मान लो थाने उतार दिया फिर यहाँ तो उतार ही कौन से कह जगह भी है कह भी मारी माता बहन है मारो सहयोग करेगी ऊपर चढ़ांगा जद बन के जाएंगे भी थे पेरो लगाओ अड़े भी माने उतार ना दियो उतना को नहीं जद मुआवजो मिलो जद ही उतरांगा। हाँ भी मारे हक की लड़ाई है भी मारो मेहनत को पीस हो बने बीमो का टाइड है यहाँ तो कोई मांगा ही को नहीं मारे हक की खातर मांगा मारो हक है वो ही मांगा कोई गवर्नमेंट को नहीं है कौन का भी मारा पीस आ दियो बीमे की बात है किसान की समान की बात है कभी इन तो रेत में रिड़ान लग रही है कोई बात माने को नहीं पहली अंति खाद डिपो मिल जानती अब लेन में लागो कोई चीज हो लेन में लागो स्प्रे इतनी रद्दी आने लग रही है तीन तीन बारी अब भी तीन तीन बारी चार चार बारी स्प्रे कर दी भाई कोई असर को नहीं आने लग रहा मैं गवर्नमेंट ने कहना चाहूँ भी अच्छी अच्छी स्प्रे दियो भी मारो भी विकास मैं 30 मन मारो किलो को नरमो जे तो मैं गवर्नमेंट को बीमो कौन मांगा मांगने की जरूरत जरूरत ही कौन पड़े माने ये है 30 मन में किलो को नरमे को बीज काट दियो स्प्रे काट दियो माने जरूरत ही कौन पड़े इं कहना चाहूँ भी 2024 रामायण है आंख खोली जो वोट मांगना भी कोई आवे बीजेपी को आदमी आवे नहीं बिन वोट ना दियो कि कोई आवे च बिन ना दियो अपनो अपनो किसान को बेटो बनाइयो जो अपनी विकास की अपने बात रख सके अपनी बात सुन सके बिन बनाइयो जो अपनी भी कोई होवे तो भी रख सके बात है। हाँ हाँ दादी कुछ और कहना चाहवा। हाँ हाँ मैं न्यू कड़ू चाहूँ कि रवि दे तो ई मीटिंग में हुए नहीं और मारो विमुखले में एक तो बनावे सब को बहुत सुना भाषण करिया बीबी देता इसको ये न्यूज हमेशा हमारा साथ रहे और ये ही सरपंच हमेशा हमारा साथ रहे और ये हड़ताल पर मुड़गे नहीं रहे कि हमारा कमजोर कर दिया तो ये ठीक नहीं होगा बहुत मुश्किल हूँ ठीक होगा कि ईशो धरणु नहीं ले कि डिगी पर लुगाइयाँ चढ़ा दे लुगाइयाँ काम को नहीं के आदमियाँ काम है माने नहीं चढ़ा दियो कदी तैयार हाँ पर किसान से बीमो ना आए हो तो लुगाइयाँ चढ़ेगी टंकियाँ चढ़ेंगी तैयार है। हाँ अरे सारा जड़ा है मैं मौजूद हाँ हाँ भरा जरा निरान खेड़ो दिल्ली बन गया है दिल्ली को चौथो पाइयो दिल्ली में अब जकी मची तेरा महीना में वो आज भी उरे समाप्त को नहीं होवे आज भी चाल तो ही रहेगो। हाँ अब दादी जी मान लो सरकार टंकियां ना बंद कर दी फिर पहले ही टंकियां ना बंद कर दियो तो जंटी पर चढ़ जावांगा जंटी तो मारी है और जंटी का तला बैठ जियो लठ लेगे उतर ना दियो जितते बिमू ने आवे इते इती ना उतारन दियो। हाँ ना उतारन दियो ना उतरियो ना थे तैयार रहियो बेटा और जका भूखा आदमी है बेचारा मारा मजदूर भाई गरीब है बन कोई की चीज मिले तो बंगी टाल करे वो मोदी बोलियो ना इंगी चीज का पीसा लियांगा तो जका सारा बेटा ऊपर ऑर्डर हो जा बे चीज को पीसो के नाम हो लिया वो नहीं लेना चाहिए नहीं। हाँ जाट जमींदार गरीब है बे मकान का बढ़िया है फार्म गम में के का 25,000 रुपये दो मन फिर थाने फार्म के पी फिर मकान के पीछे ध्यान दे 25,000 बने कटा देंगे फिर 60 मुँह मारा के बंचा यो कानून है 25,000 मारे गम में मांगे मैं कुछ रानी में न्यू बोलिया 25,000 रुपये दे बिन दिलाल और तने मैं वो मकान का दुआ दूंगा वो यहाँ मारा टाबरिया बाप के कया बोलिया टाल हो जाएगी 25,000 सरपंच ने कहो वह फिर कह लिया ये वो सरपंच बापड़ा धरने पर बैठे है जब मैं ही भैया बात कू बीमार पर 25 क्यों मांगा है मैंने 85 देंगे। चलो सरपंच ने कही अभी समाधान करवाई बाकी मैं भी आवाज़ उठावांगा तारी। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम महिलाएं जो है वो काफ़ी जो है वो खफा नज़र आई हैं सरकार से प्रशासन से और महिलाओं का कहना है कि इससे पहले एक बार जो है वो वायदा खिलाफी हो चुकी है इस बार अगर वायदा खिलाफी होती है तो जो है वो महिलाएँ इस बार टंकी पर चढ़ेंगी। इस बार पुरुष चढ़े थे लेकिन अगली बार अगर एक महीने में बीमा क्लेम नहीं आता है तो महिलाएँ जो है वो टंकी पर चढ़ेंगी और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की और सरकार की होगी। अब
ऐसे में सरकार और प्रशासन क्या दूसरी बार भी वायदा खिलाफी करता है या फिर किसानों को उनके हक जो है जो बीमा क्लेम है वो मिल जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मैल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।